पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी टीम के 11 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उनमें इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद जो कि टीम के कैप्टन हैं, इसके अलावा स्टार बैट्समैन बाबर आजम, साउथ शकील, विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद, ऑलराउंडर सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल जो कि टेस्ट डेब्यू करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में, इसके अलावा फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद भी पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी टीम की पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 है।